अश्विनी भाई, अश्विनी दुबे जी, सबसे पहले आपके पास आएंगे। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर दिया गया और अब चुनाव आयुक्त ने भी कह दिया कि भाई तय समय पर सारी चीजें पब्लिश कर दी जाएंगी, तो आखिर इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट को सख्त रुख अख्तियार क्यों करना पड़ा? 30 जून तक का वक्त क्यों मांगा जा रहा था? जरा क्लियर करें, दर्शकों को समझाएं पूरा मामला। देखिए, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एप्लीकेशन लगी, उन्होंने क्या पूरा डाटा कलेक्ट करके उसको स्क्रूटिनाइज करके और कोर्ट में सबमिट करने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि देश के तमाम हिस्सों से डाटा हमें कलेक्ट करना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में आपको ये आज, मैंने कल तक की जो नियत तिथि थी, आज तक की जो नियत तिथि थी, उस नियत तिथि तक उनको ये सबमिट करना था कि ये डाटा देना है, क्योंकि दो इमर्जिंग इश्यूज थे सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान अंजनी भाई। पहला इशू यह था कि जो अनलिमिटेड कॉरपोरेट फंडिंग है पॉलिटिकल पार्टीज को, वो क्या जो प्रिंसिपल ऑफ फ्री फेयर इलेक्शन है उसका वायलेशन नहीं करती है? जो भारत के संविधान के आर्टिकल 14 में लिखा गया है, और बिल्कुल सही बात, सुप्रीम कोर्ट की जो ये फ्रेमिंग थी वो सही थी। दूसरी बात कहा कि जो नॉन डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन है कि कौन किसको कितना वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन दे रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, वो राइट टू इन्फॉर्मेशन जो सिटीजन्स का है आर्टिकल 19A के संविधान का, उसके वायलेटिव नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति को, देश के नागरिक को जानने का अधिकार है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी को हम चुन रहे हैं उस पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग कहां से आ रही है, ताकि ऐसा ना हो कि जहां से उसको फंडिंग आ रही है चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से उससे, कि सारी पॉलिसीज गवर्नमेंट की उसके फेवर में मिले। मारे मैक्सिमम तो यही कहा जाता है, जिसने जितना चंदा दिया उसकी उतनी सुनी जाएगी। तो इस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा, भाई देखिए, इस जनता को, देश के नागरिकों को यह जानने का मौलिक अधिकार है कि जो जिस पॉलिटिकल पार्टी को वो चुन रहे हैं उस पॉलिटिकल पार्टी को चंदा कहां से आ रहा है। क्योंकि अगर आप याद करिए तो जो गवर्नमेंट की तरफ से इसमें कहा गया था कि ये ब्लैक मनी को कर्ब करने का एक रास्ता है, लेकिन नॉन डिस्क्लोज करना और फिर उन कंपनीज को इनकम टैक्स का रिबेट भी देना, ये सारे इश्यूज थे। इसीलिए अगर इलेक्टोरल प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय होता है फ्री फेयर इंपार्शियल इलेक्शन के लिए और एक स्वतंत्र और निष्पक्ष डेमोक्रेसी के लिए, यह जरूरी है कि दानदाता को कहां से पैसा मिला उसकी जानकारी। तो और इसी इशू को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में साफ तौर पर कहा कि यह जनता का अधिकार है, इसलिए जानना चाहिए। बेहतर तरीके से आपने समझाया अश्विनी जी। अब चलते हैं अश्विनी राणा जी के पास, बैंकिंग एक्सपर्ट है। अश्विनी जी, आरबीआई ने जब ये स्कीम आई थी उस वक्त कहा था ठीक है ये तो स्कीम अच्छी है, लेकिन इसको लेकर कुछ आशंकाएं थी कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बढ़ सकता है, इसमें तमाम ऐसे जो शेल कंपनियां वो भी आ सकती हैं। लेकिन अब जब सारी चीजें चुनाव आयोग को सौंप दी गई है, अब 15 तारीख को जब इसका पूरा लिस्ट सामने आ जाएगी, क्या जनता को राइट्स मिल जाएंगे, सारी जानकारी जनता तक आ जाएगी कि भाई कौन डोनर थे, किसने कैश कराया, कितना पैसा मिला, या इसमें भी कुछ पेच आगे भी रहेगा? देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टेट बैंक को कहा कि आप सारी जानकारी दीजिए, तो सारी जानकारी से मतलब स्टेट बैंक के लिए यही था कि भाई किसने बॉन्ड खरीदे, कौन सी पार्टी ने इनकैश कराया, और कौन सा बॉन्ड किस पार्टी ने इनकैश कराया, इसको पूरी डिटेल जो है वो जानी चाहिए। डिटेल का मतलब वही था जी। लेकिन परसों जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जो जानकारी, कितने बॉन्ड खरीदे गए, किसने खरीदे और किस पार्टी के खाते में किसने इनकैश किए, वो जानकारी दीजिए, तो स्टेट बैंक के पास वो जानकारी तो थी, लेकिन जो मैचिंग का डाटा का मैचिंग का था, उसके समय लगता था कि इतने हजार जो बॉन्ड खरीदे गए अलग अलग क्वार्टर में अलग अलग डेट को, उस नंबर को उसके साथ मैच करना, वो मुश्किल थी, इसलिए स्टेट बैंक समय मांग रहा था। तो अभी स्टेट बैंक के लिए काम अच्छा हो गया, स्टेट बैंक ने वो डाटा दे दिया। अब इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है कि हम अपनी वेबसाइट पर डाल देंगे, लेकिन अब जब 15 को ये डिटेल डलेगी उसके बाद एग्जैक्ट पता लगेगा कि वाकई जो पर्पस था सुप्रीम कोर्ट का इसमें, वो पर्पस फॉलो हुआ कि नहीं, या सिर्फ इसने बॉन्ड खरीदे एक लिस्ट है और इस पार्टी ने इतना इतना चंदा, अरे उस किस पार्टी ने कौन सा बॉन्ड खरीदा, किसने वो खरीदा था, वो अगर नहीं पता लगाया तो उसका भी लाभ नहीं है। तो ये मतलब हम अपने, ठीक है सुप्रीम कोर्ट अपने जगह पर सही है, वो आदेश पारित कर सकता है, उसने आदेश
पारित किया, लेकिन अब आदेश आदेश है, आदेश के अनुसार। लेकिन बड़ा अजीब है कि एक कानून था, आप उसको प्रोस्पेक्टिव बंद कीजिए, आपने रेट्रो बंद कर दिया। तो जिन लोगों ने गोपनीयता के आधार पर वो डोनेशन दी थी उनके लिए मुश्किल हो गई। ये पॉइंट है कि जो लोगों ने गोपनीयता जी इसका फिर खामियाजा क्या होगा? ये 15 को देखिए, स्टेट बैंक बार बार जो कह रहा था कि हमने उसको मैचिंग करना है, पर्पज तो तभी होगा ना जी, कि एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, एक व्यक्ति ने 5 बॉन्ड खरीदे, ठीक है, 1000-1000 रुपए के, उसने 3 पार्टियों को दे दिए, ठीक है, एक नंबर एक को दिया, दो नंबर दो को दिया, और 2-3-5, 3-4-5 एक को दे दिए उसकी विल के अनुसार। अब एक नंबर जो था उसका किस पार्टी ने इनकैश किया वो मैच ही नहीं होगा, तो उसका पता कैसे लगेगा कि वो एक नंबर जो है किसने दिया था किस पार्टी को? तो ये कुछ टेक्निकल चीज है। इलेक्शन कमीशन साथ डाटा को स्क्रूटनाइज करें, इतना समय नहीं है, जब स्टेट बैंक के पास समय नहीं था तो इलेक्शन कमीशन के पास तो इलेक्शन की तैयारी का भी समय नहीं है। ये आपका पॉइंट है, ठीक है। तो अब तमाम जो चुनावी पार्टियां भी हैं, राजनीतिक दल भी हमारे साथ जुड़ के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, क्योंकि ये जो मामला है इस पर जो है चुनाव में कितना असर पड़ेगा, 24 का चुनाव नजदीक आ गया है। और हमारे साथ जो है महेश वर्मा जी भी जुड़े हुए हैं और संजीव नाशियार साहब भी जुड़ गए, आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। महेश जी आपके पास आएंगे, अब देखिए, अच्छा महेश जी हमारे साथ नहीं जुड़ पाए, चलिए ईशान जी आपके पास आते हैं। इसको जब शुरू किया गया था तब ये कहा गया सरकार की तरफ से बहुत पारदर्शिता रहेगी, जो चुनाव में चंदे मिलते हैं वो एक बॉन्ड के जरिए खरीदे जाएंगे और सारी चीजें पारदर्शी होंगी। लेकिन अब आप लोग कह रहे भाई ये तो घोटाला है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सारी जानकारियां अब पब्लिश कर दी जाएंगी, अब तो अब ठीक है, आपको लगता है कि सारे राज खुल जाएंगे अब? अंजनी जी ये देश का आज तक का सबसे बड़ा घोटाला निकलेगा जब इस पर पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी। और बात सिर्फ इसकी नहीं है, बात है भारतीय जनता पार्टी की नियत की कि क्या वो देश को इसी तरह से चलाना चाहते हैं कि वो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके उनको खत्म कर देना चाहते हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो CBI हो, चाहे वो ED हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, क्या वो हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा करके अपनी नियत को साफ नहीं रख सकते? और क्या वो हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा करके अपने जो 7-स्टार भाजपा के कार्यालय बना रहे हैं हर डिस्ट्रिक्ट में और हर राज्य में, तो क्या वो इसी तरह की राजनीति करना चाहते हैं? ये इसकी बात है। अब आइए आप SBI पे, अभी हमारे मित्र ने बताया कि SBI की जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको मैच करने का SBI को समय चाहिए था। SBI ने ये दलील दी थी सुप्रीम कोर्ट में कि इसलिए हम 30 जून तक दे पाएंगे कि हमें मैचिंग करनी है। मैं अभी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आता हूं अंजनी भाई जी, और जो SBI प्रतिदिन लाखों की ट्रांजैक्शंस का सेटलमेंट और रिकंसिलिएशन करता हो दिन के आखिर में, उसको 22,000 ट्रांजैक्शंस का सेटलमेंट करने के लिए 3 महीने चाहिए। तो ये सरासर भारतीय जनता पार्टी की नियत को दिखाता है, प्रधानमंत्री मोदी जी की नियत को दिखाता है कि वो SBI के पीछे छुप के अपने इस बड़े सबसे बड़े स्कैम को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप आइए इलेक्शन कमीशन पे, इलेक्शन कमीशन की बात करें अंजनी भाई, तो 1947 से लेके आज तक 2024 तक सिर्फ 3 इलेक्शन कमिश्नर्स ने आज तक रिजाइन किया है अपने पद से। पहले तो 1973 में किया गया, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस चले गए उस समय के इलेक्शन कमिश्नर, और पिछले चार साल में 2 इलेक्शन कमिश्नर छोड़ के जा चुके हैं, एक अशोक लवासा जी जा चुके हैं और एक अरुण गोयल जी जा चुके हैं। तो इसका कारण क्या भारतीय जनता पार्टी बताएगी कि अशोक लवासा जी के जाते ही क्यों उनके परिवार पे इनकम टैक्स की रेड होने लग गई, क्यों अशोक लवासा जी को इसलिए निकाला गया या छोड़ने पे इसलिए मजबूर कर दिया गया क्योंकि उन्होंने अमित शाह और मोदी जी को क्लीन चिट देने से इनकार कर दिया था या उसका विरोध किया था, एक डिसेंट नोट लिखा था। तो ये जो नियत की बात है, जो भारतीय जनता पार्टी की काली नियत है देश के, ईशान भाई ये जो चुनावी चंदे की बात हो रही है, इलेक्टोरल बॉन्ड की बात हो रही है, इसमें चंदे तो सबको मिले हैं, आपने भी बॉन्ड को आपकी पार्टी को मिला, सारी पार्टियों को मिला है, तो इसमें चूंकि वो सत्ता में है, जैसा कहना है कि सत्ता में इसलिए उनको ज्यादा मिला है, तो इसमें क्या खेल आपको नजर आया भाई? चंदा आपको भी मिला, उनको भी मिला, इसमें खेल क्या है अंजनी भाई? पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल मूवमेंट्स
चाहे वो आजादी से पहले के हों या आजादी के बाद पे हों, बाद के हों, वो चलते हैं चंदे पे ही चलते हैं। हाँ। सबसे पहली बात तो ये, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लिए हमारे लिए हो। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि जब इतने हजारों करोड़ रुपए की चंदा आता है तो उसमें से कांग्रेस पार्टी को तो मिलता है सिर्फ 900 करोड़ के आसपास और भारतीय जनता पार्टी को 10 करोड़ के आसपास मिल जाता है। तो ये जो डिस्पैरिटी है जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि यहाँ पे क्या क्विड प्रो को है, यानी कि जो कॉरपोरेट चंदा भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं, सरकार को दे रहे हैं इस समय, सरकार में स्थापित जो पार्टी है, क्या वो उसके बदले में देश की संपत्ति उन कॉरपोरेट्स को बेच रही है, कैसे उनको फायदा उठा रही है, कैसे जो आम जनमानस है उसको कुचला जा रहा है उन कॉरपोरेट्स के द्वारा, तो सवाल यहां पे ये है। और हमें कोई आपत्ति नहीं है कांग्रेस पार्टी को, आप दिखा दीजिए हमारे पास जितना चंदा है कहां कहां से आया है, हम बिल्कुल, हमारी नीयत में कोई खोट नहीं है, ठीक, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चंदा चंदा किसको कितना मिला, बस मेरे को 30 सेकंड, हाँ हाँ अंजनी भाई सिर्फ 30 सेकंड और दीजिएगा, मैं सिर्फ 30 सेकंड और दीजिएगा। नियत इस भारतीय जनता पार्टी के पता चलती है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इलेक्शन कमिश्नर को चुनने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री और लीडर ऑफ अपोजिशन को होना चाहिए कमेटी में, तो भारतीय जनता पार्टी ने बकायदा लॉ लाके, उस सरकार ने लॉ लाके उसको बदलने का काम किया और ये बोल दिया कि उसमें प्रधानमंत्री होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे और उनका ही कोई कैबिनेट मंत्री होगा सरकार का। तो ये देखिए 2:1 का रेशियो उन्होंने बना दिया। हाँ। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को वहां से निकाल दिया, सुप्रीम कोर्ट की जो सजेशन थी उसको खारिज कर दिया सिरे से। तो ये नियत की बात है, काली नियत की बात है, नियत पे आप सवाल उठा रहे हैं। अब देखिए फराज भाई आपके पास आते हैं, चंदा सभी पार्टियों को जरूरी है और उस वक्त इस नियत से इसको, इस स्कीम को लाया गया था कि भाई एक बैंक से बॉन्ड खरीदा जाएगा और फिर उस बॉन्ड को कैश करना होगा, इस पर पारदर्शिता होगी। अब इस पर सवाल उठ रहे हैं, आपका क्या पक्ष है अंजनी जी? देखिए ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का इशू है जी, ये बीमारी का जो है ये एक सिम्टम्स है। अच्छा। बीमारी जो है ना वो भ्रष्टाचार है। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मोदी जी की भ्रष्टाचार की गारंटी, जैसे मोदी जी गारंटी नहीं देते हैं, 2014 में एक बच्चा पैदा हुआ था जिसका नाम जुमला रखा गया था, वैसे ही 2024 में एक बच्चा पैदा हुआ है जिसका नाम गारंटी रखा गया है, उसमें से इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए भ्रष्टाचार की गारंटी है। अब दो चीजें, देखिए ईशान भाई की बात से मैं सहमत हूं, एसबीआई ये बोलती है कि उसको ये 22,000 का डेटा देने में 30 जून का समय चाहिए। हाँ। अरे साहब, इंडिया का सबसे बड़ा बैंक, विश्व के सबसे बड़े सरकारी बैंकों में से एक, जिसके करीब करीब 48 करोड़ अकाउंट्स जो मैनेज करता है, 65,000 के पास जो 65,000 के आसपास जो एटीएम मैनेज करता हो बैंक, 23,000 के आसपास जिसकी ब्रांचेज हो पूरे भारत में, और जनवरी 2024 में आरबीआई का आंकड़ा है कि 19,28,283 आरटीजीएस एसबीआई मैनेज करता है, करीब करीब एक दिन में 60 लाख से ज्यादा हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन एसबीआई मैनेज करता है। अब आप ही बताइए कि एसबीआई को 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड देने के लिए 135 दिन का समय चाहिए। अब तो दे दिया उन्होंने, अब तो उन्होंने सारी डिटेल दे दी, अब तो सारी डिटेल दे दी चुनाव आयोग को, अब तब दिया। ईशान जी देखिए, यही देखिए प्रॉब्लम यही है कि पहले इनको 135 दिन का समय चाहिए था, तो किसको बचाने के लिए 135 दिन का समय चाहिए था? जो कि आप लोग भी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, हम लोग भी कहीं ना कहीं काम किए हुए हैं। ये 22,000 का डेटा एक्सेस फाइल में डालिए, एक क्लिक करिए और आपके पास अगले 2 या 3 मिनट में डेटा होगा। सवाल यही है कि ये किसको बचाने के लिए 135 का समय दिया जा 135 दिन का समय लिया जा रहा था, ये किसका षड्यंत्र था? अगर चुनाव से पहले ये डेटा बाहर आ गया तो जनता को पता चल जाएगा कि किसको किसने किसको कितना चंदा दिया। हाँ। वो कौन मित्रगण हैं अंजनी जी जो चंदा लेकर के जिनका नीति निर्माण किया जा रहा है, कैसे धनबल का इस्तेमाल करके लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। मध्य प्रदेश में जब चुनी हुई सरकार को गिराया जाता है तो उसके लिए पैसा भी तो चाहिए ना। हाँ। तो यही काला धन जो मोदी जी की पार्टी में आया है ना, उसी का सब इस्तेमाल होता है। तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सरकारी एजेंसी का दुरुपयोग करके, सरकारी एजेंसी का गलत इस्तेमाल करके, और अब एसबीआई की भी क्रेडिबिलिटी को इन्होंने खत्म कर दिया।